और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं गुरुवार से दो पालियों में शुरू हो गई है। तो 55 लाख से अधिक परीक्षार्थी एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि उन्होंने एग्जाम दिया और इसके लिए 3 लाख से अधिक कक्ष निरीक्षकों की भी तैनाती की गई है। सभी को QR कोड वाले आई कार्ड दिए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिका को भी QR कोड के दायरे में लाया गया है। तो वहीं परीक्षा में नकल रोकने के लिए STF लोकल खुफिया विभाग एवं पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने के लिए त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है। इसमें केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट शामिल किए गए हैं। तो सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए QRT यानी कि तत्काल कार्रवाई टीम गठित की गई है, जो कि 24/7 सक्रिय रहेगी। हम तो नकलविहीन परीक्षा कराने का संकल्प है हम लोग का, और तैयारी की दृष्टि से प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो दो CCTV कैमरे लगाए गए हैं विद साउंड रिकॉर्डर, और जिनकी कनेक्टिविटी सीधे कंट्रोल रूम को है। दूसरी तरफ बच्चों में भय का वातावरण ना हो, आराम से वो परीक्षा दे पाए, इसलिए उनको मोटिवेशनल चीज़ें भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आराम से भयभीत ना होकर अपनी जो तैयारी है उस तैयारी की दृष्टि पर परीक्षा सम्पन्न करें। पहला पेपर है और खासतौर से हिंदी का पेपर बच्चों के लिए थोड़ा डर का विषय भी होता है, तो किस तरीके से बच्चों को एग्जामिनेशन कराने की तैयारियां कराई गई हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? अरे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ चैनल वालों को अपना नमस्कार कहती हूँ। और बच्चों को हम लोगों ने पहले से काफ़ी प्रिपेयर्ड कर दिया है और काफ़ी तैयारी लोगों की हम लोगों ने करा दिया है, और जो है इस समय भेजते समय भी काफ़ी थोड़ा मोटिवेशन करके बच्चों को भेजेंगे ताकि शांति से और धैर्यपूर्वक वो अपनी परीक्षा को सुचारूपूर्वक दे सके। मैम, क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो आपके स्कूल में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ, हमारे यहाँ स्टॉक